तो देखिए गैंगस्टर अमन साहब को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। आज रांची हाई कोर्ट में अमन साहब की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट से 2 साल से ज्यादा सजा के मामले पर रोक के लिए याचिका लगाएगी। देखिए झारखंड हाई कोर्ट से अमन साहब ने मांगी है चुनाव लड़ने की इजाजत। झारखंड की बड़कागांव सीट से चुनाव लड़ना चाहता अमन साहब, फिर एक बार एक गैंगस्टर चुनाव लड़ने वाला है। तो अमन साहब जो कि गैंगस्टर है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आज रांची हाई कोर्ट में अमन साहब की याचिका पर सुनवाई होगी। अमन साहब ने एक याचिका लगाई है कोर्ट से 2 साल से ज्यादा सजा के मामले पर रोक के लिए, ये याचिका लगाई है। झारखंड हाई कोर्ट ने अमन साहब से मांगी है चुनाव लड़ने की इजाजत। अमन साहब ने मांगा है कि मुझे चुनाव लड़ने दीजिए। झारखंड हाई कोर्ट से इजाजत मांगी अमन साहब ने। झारखंड हाई कोर्ट से अमन साहब ने मांगी है चुनाव लड़ने की इजाजत, जिस पर आज झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई करने वाली है। झारखंड की बड़कागांव सीट से चुनाव लड़ना चाहता है अमन साहब, फिर एक बार एक आरोपी चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, एक गैंगस्टर चुनाव लड़ेगा। और मेरे सहयोगी नितेश गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, एक बार फिर से ये मान ले क्या कि एक गैंगस्टर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अमन साहब की याचिका पर आज सुनवाई होनी, आज फैसला हो जाएगा कि गैंगस्टर चुनाव लड़ रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल रसिका, लेकिन अभी इसे मानने में थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि 25 तारीख जो है नामांकन की आखिरी तिथि है। हालांकि आपने सही कहा, गैंगस्टर चाह रहा है, अमन साव चाह रहा है चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है, जेल से बाहर निकलने की छटपटाहट है, लेकिन 2 मामले उसके ऊपर जिसमें 2-2 साल से ज़्यादा की सजा है। एक की सुनवाई आज है, एक की 2 तिथि को है, जो कि नामांकन से ठीक एक दिन पहले है। लेकिन चाहे वो बिलासपुर हाई कोर्ट की बात कर दीजिए, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट की बात कर दीजिए, सभी जगहों पर इसने पूरी तैयारी कर ली है। इसके पूरे तमाम जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और अभी जहां हम कोर्ट में मौजूद हैं, इसी कोर्ट के अंदर जो है अमन साव मौजूद है। 28 तारीख तक की न्यायिक रिमांड है, लेकिन तेली बांधा के मामले पर इससे पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। अंदर पूरी जो जस्टिस है उनके सामने पूरी प्रणाली चल रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट में भी जो है याचिका लगाई गई है, इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट का मसला आपने बता दिया। अगर वहां से क्लियरेंस मिलता है तब कहीं जाकर बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश पर यहां से छूटने पर इसे जाने की इजाज़त मिलेगी। अदरवाइज ये अभी 28 तारीख तक कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रायपुर की सेंट्रल जेल में, रायपुर की ही ब्रांचेज में रहने वाला है रसिका। ठीक है नितेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।